लगवाएं, खरीदें, लेकिन उसमें 50% अपने पैसे इस्तेमाल करें, फिर उसमें सब्जी करनी पड़ेगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी, खाद आप इस्तेमाल करोगे तो उससे आपको जल्दी वो चीज़ तैयार होगी। दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत फ्लक्चुएशन है, दिन को धूप गर्म होगी तो हमें गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, लेकिन वही रात को जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जो कि हमारे पौधों के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए आप जितनी भी पनीरी तैयार करो वो थोड़ा जल्दी पाली हाउस में लगाते तो उससे वो पनीरी जो है वो जल्दी तैयार हो जाती है। तो फिर जब हमारा मौसम ठीक हो जाता है तो उसको बाहर, ये है कि काफ़ी सारे ऐसे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर जिनको हम कहते हैं वो आगे आते हैं और वो सीट ला चुके हैं। तो इसके बाद तीन के साल में दो बार जमीन का सीना दफन हो जाता है, गुदगुदाते हैं जो सूरज के सुनहरे नाखून फिर निकल आता हूँ, उसका काम है। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ लगाना चाहिए, तो पेड़ लगाएं, फलदार पेड़ लगाएं। अगर आपने टीकाकरण लगा दिया दोस्तों, तीन से 35 लाख कमाई जो हो जाएगी, तो आप सोचे आप अपने बच्चों में किसान सम्मान निधि होगी, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया जिसमें आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा, 7% उसके इंटरेस्ट रेट है, 3% आपको माफ है, वो पैसा आप ले सारे लेते हैं। काफी सारे किसान खेती बाड़ी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे आपको जरूरत है, पैसा आम किसान के पास नहीं, हम गरीब लोग अगर बैंक से निकालोगे तो बैंक आपको मना नहीं करेगा, लेकिन बच्चे के वो पैसा आपके हम अपने बच्चों की शादी में या कोई चीज़ खरीद ली या खर्चा कर दिया उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। अपने बैंक को हम पैसा नहीं दे सकते। मैं चौराहे में जो वहाँ के बैंक मैनेजर उसको किसी के कार्ड लेके आप जो खड़े लोगों के, लेकिन ये लोग हमारे डिफॉल्टर के क्योंकि पैसे से हम पैसा कमाते हैं, उसको हम घर में खर्चा करते हैं। तो मैं यही करूँगा कि आप इन सारी बातों पर गौर करें। मैं इसके बाद चंदी सिंह जी को दावती और आगे का प्रोग्राम आपके यहाँ का सचिव फरमा चुके हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से उनको इस नूर जहाँ साहिबा यहाँ पर तस्वीर रखती हूँ, मैं उनको भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से खुश आमदीद करता हूँ, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से वेलकम करता हूँ, जो भी स्टॉल्स का मायना करने के बाद यहाँ पर तस्वीर लाएंगे जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास फार्म ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मशीनरी जो है ये तमाम मशीनरी किसान भाइयों को मुहैया करवाई जा रही है, उसका सब्सिडी अवेलेबल है। हमारे किसान भाई ये मशीनरी कहीं से भी जाकर खरीदनी है, तो कोई किसान भाई ये मशीनरी किसान मेला जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें हमारे किसान भाई के साथ साथ हमारे PRI मेंबर्स, हमारे BDC चेयरपर्सन, हमारे DDC मेंबर्स, उन्होंने भी शिरकत की और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, जो भी हमारे एलाइड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के जितने भी हैं उनके यहाँ पे कैंप्स लगाए गए। मेरी सभी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि वो मैक्सिमम फ़ायदा इन स्कीम्स का उठाएं। गवर्नमेंट की जो कोशिश है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, जिसके तहत PM किसान के तहत भी किसानों की मदद की जा रही है, KCC कार्ड्स भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स में फार्म मैकेनाइजेशन के लिए सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। इस साल जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन इस साल स्टार्ट हुआ, और इसी टाइप से दूसरे भी कुछ चीज़ें हर साल, चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर हॉर्टिकल्चर हो, हर बार इंट्रोड्यूस कुछ ना कुछ नया जरूर किया जाता है, बट उसके साथ साथ उसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, उसको कंटिन्यू रखने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे किसान भाइयों की भी मदद की दरकरार रहेगी। मेरी सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि वो इन स्कीम्स का भी मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, और उसके साथ साथ जो मॉडर्नाइज्ड वे में और जो जो चीज़ उनको मैक्सिमम फ़ायदा दे सकती है, मैक्सिमम पैसा उनके लिए कमा सकती है, उस चीज़ को उगाएं, अपनी ट्रेडिशनल वे तो मेंटेन रखें बट उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी करें। हमारे यहाँ पर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और तारसपुरा के पंचायत रठाना ने पंचायत प्रतिनिधियों ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पंचायत के गाँव को अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के दायरे तथा आरक्षण सूची में